साइज 10^-1 to 10^-5 इन एम डायमीटर फिल्टर पेपर ऑफ ए पोर साइज स्मॉलर दैन द 10 पावर सस्पेंडेड पार्टिकल पोर साइज 10^-3 mm टेक अ फिल्टर पेपर ऑफ इनिशियल वेट W2 W1 एंड पास थ्रू द नोन वाटर वॉल्यूम थ्रू इट एंड इट विल बी वेटेड फिल्टर पेपर 10^104 degrees Celsius फॉर 3 to 4 hours द फाइनल वेट ऑफ फिल्टर पेपर इज इक्वल्स टू WF नेक्स्ट है सस्पेंडेड सॉलिड इक्वल्स टू WF - WI / VE ये फॉर्मूला बन गया हमारे लिए टोटल डिजोल्व सॉलिड इक्वल्स टू होता है फॉर्मूला टोटल सॉलिड इक्वल्स टू टोटल डिजोल्व टोटल सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिजोल्व सॉलिड प्लस क्लोराइड पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड TDS नेक्स्ट है TS + TSS + DTDS अब आता है टेक अ फिल्टर पेपर ऑफ इनिशियल वेट WT = WI के फिर आता है पैन ऑफ ए नोन वॉल्यूम ऑफ ए वाटर थ्रू द फिल्टर पेपर कोई एक कंटेनर जिसमें हमने पानी भर रखा है या पैन है जिसमें हमने एक वॉल्यूम रखा है फिल्टर पेपर के माध्यम से थ्रू करते हैं मतलब पास करते हैं उसको हम लोग फिल्टर पेपर के माध्यम फिल्टर पेपर से ओनली द टोटल डिजोल्व सॉलिड इज प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेशन इन वाटर सिर्फ उसमें वही चीज़ फिल्टर हो सकता है जो उसमें सस्पेंडेड वाटर में है ठीक है कंटेनर ऑफ इनिशियल वेट इक्वल्स टू W फाइनल अगर उसका हम एक इनिशियल वेट ले लेते हैं तो W इनिशियल कहलाता है W फाइनल के इक्वल है पुट अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ फिल्टर वाटर इज V इन अ कंटेनर पुट अ कंटेनर ऑफ ए ओवन ड्राई मेथड 104 degrees Celsius 3 to 4 hours ठीक कहता है फाइनल वेट इक्वल्स टू W फाइनल है नेक्स्ट है TDS इक्वल्स टू मिलीग्राम पर लीटर W final - W initial / volume फिल्टर वाटर इज यूज नेक्स्ट है बेस्ड ऑन नेचर नेचर पे बेस देखेंगे तो कहेंगे वॉलेटाइल सॉलिड इक्वल्स टू VS नेक्स्ट नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज NVS नेक्स्ट है टोटल सॉलिड इक्वल्स टू वॉलेटाइल सॉलिड प्लस नॉन वॉलेटाइल सॉलिड द टेक अ कंटेनर ऑफ ए इनिशियल ड्राई वेट इज W1 टेक अ नोन वॉल्यूम ऑफ ए वाटर इज वी फिर है पुट अ कंटेनर इन ओवन ड्राई मेथड 104 degrees Celsius फॉर 3 to 4 hours नेक्स्ट है फाइनल वेट इक्वल्स टू W2 एंड टोटल सॉलिड इक्वल्स टू W2 - W1 / VE सो सस्पेंडेड पार्टिकल टोटल सॉलिड इक्वल्स टू वोलेटाइल सॉलिड प्लस नॉन वोलेटाइल सॉलिड इक्वल्स टू W2 पुट द कंटेनर ऑफ ए मफल फर्नेस 700 degrees Celsius फॉर 24 hours The final weight equals to W3 and that is equals to non-volatile solid plus container. And the volatile solid equals to W2 - W3 / V milligram per liter. Non-volatile solid equals to total solid minus volatile solid W3 - W1 / V milligram per liter. Next है अब इतना फड़ने के बाद हमें ये जो लास्ट में पता है इससे फॉर्मूले थे आपके पास बेस्ड ऑन नेचर वेट W3 है और जितने भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग ये सब के सब लैब के क्वेश्चंस लैब के एक्सपेरिमेंट है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब आप इसको लैब में करिएगा तब समझ में आएगा अब डिस्कस करते हैं एक प्रॉब्लम को कहता है 50 ml ऑफ वाटर सैंपल है आर ड्रोन फ्रॉम ऑन टू अ एम्प्टी ड्राई कंटेनर हुज इनिशियल वेट फाउंड टू बी एज 88.438 mg इट इज़ टेकन टू बी एन ओवन ड्राई मेथड द फाइनल वेट इज टू बी मेजरिंग टू बी एट 88.462 ग्राम ठीक है एंड आफ्टर कह रहा है कीपिंग द कंटेनर अलॉन्ग विद रेसिड्यूल इन द मफल फर्नेस द फाइनल वेट इज टू बी मेजरिंग टू बी एट 88.458 ग्राम फिर कहता है फाइंड द वोलेटाइल टोटल सॉलिड वोलेटाइल सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड प्रेजेंट इन द सैंपल ये तीनों चीज प्रेजेंट है सैंपल में और 200 ml ऑफ वाटर सैंपल आर पास थ्रू अ फिल्टर पेपर whose initial weight equals to 1.482 gram and after the oven dry method the funnel weight is to be 1.492 gram and 50 ml of the filter paper water drawn onto a empty container whose initial weight equals to 86.342 gram and oven dry method the final weight will be 86.384 gram the total solid nikaliye volatile solid total suspended total dissolved solid total solid suspended solid निकालिए तो पहले क्वेश्चन में कहता है कि 50 ml ऑफ वाटर है सैंपल आर कंटेनर ड्रॉन ऑन टू एम्प्टी ड्राई कंटेनर हुज इनिशियल वेट गिवन हैज टू बी 88.438 लिखिए कि वॉल्यूम ऑफ सैंपल 50 ml है शुरुआत में दिया 50 ml तो 50 ml लिखकर टिक मारेंगे फिर एम्प्टी ड्राई कंटेनर ऑफ ए इनिशियल वेट गिवन है 88.438 वो लिखा
फिर आता है ओवन ड्राई वेट ऑफ ए फाइनल वेट इक्वल्स टू 88.462। ये हो गया हमारा द कंटेनर हु इनिशियल वेट फाउंड टू बी दिस मच इज टू टेकन ओवर ड्राई मेथड इज द फाइनल वेट इज टू बी ऑब्जर्व टू बी केप्ट एज 88.462 एंड आफ्टर कीपिंग द कंटेनर अलॉन्ग द रेसिडुअल इन द मफल फर्नेस द फाइनल वेट इज टू बी मेजर टू बी एट 88.458 ग्राम। फाइंड द टोटल सॉलिड एंड वोलेटाइल सॉलिड नॉन वोलेटाइल सॉलिड परसेंट इन द सैंपल। बोलता है ओवन ड्राई मेथड फाइनल वेट इक्वल्स टू 88.462 ग्राम। आफ्टर कीपिंग द कंटेनर अलॉन्ग द रेसिडुअल फाइनल वेट इक्वल्स टू 88.458 ग्राम। टोटल सॉलिड इक्वल्स टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन वी। वेट ऑफ द एम्प्टी कंटेनर माइनस वेट ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल डिवाइड बाई 50 इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द टोटल सॉलिड इक्वल्स टू 0.48 अपॉन मिलीग्राम पर लीटर एंड दैट इज इक्वल्स टू 480 मिलीग्राम ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट है वोलेटाइल सॉलिड इक्वल्स टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री अपॉन वी एंड दैट इज डब्ल्यू टू इक्वल्स टू 88.462 माइनस 88.458 अपॉन 50 इक्वल्स टू 80 मिलीलीटर ग्राम पर लीटर। नॉन वोलेटाइल सॉलिड इक्वल्स टू टोटल सॉलिड माइनस वोलेटाइल सॉलिड 480 माइनस 80 इक्वल्स टू 400 मिलीग्राम पर लीटर। वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल नेक्स्ट क्वेश्चन नॉन वोलेटाइल सॉलिड इक्वल्स टू टोटल सॉलिड माइनस वोलेटाइल सॉलिड तो वोलेटाइल सॉलिड निकल का फॉर्मूला है डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू थ्री अपॉन वी। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा था कि एक 100 ml वाटर सैंपल है आर पासिंग थ्रू अ फिल्टर पेपर हुज इनिशियल वेट इज टू बी 1.482 ग्राम। आफ्टर द ओवन ड्राई मेथड द फाइनल वेट इज टू बी 1.492 ग्राम एंड 50 ml ऑफ फिल्टर वाटर इज ड्रोन ऑन टू अ एम्प्टी कंटेनर हुज इनिशियल वेट इज टू बी 86.342 ग्राम। आफ्टर द ओवन ड्राई मेथड द फाइनल वेट विल बी गिवन एज 86.384 ग्राम। फिर कहता है द टोटल सॉलिड एंड टोटल डिजॉल्व सॉलिड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड इन मिलीग्राम पर लीटर कितना होगा। तो कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास है नॉन वोलेटाइल सॉलिड में टोटल सस्पेंडेड फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सैंपल दे रखा है 100 ml टिक मारे। फिर इनिशियल वेट इक्वल टू डब्ल्यू वन दे रखा है 1.482। फिर ओवन ड्राई मेथड फाइनल वेट गिवन है 1.492। फिर है 50 ml ऑफ फिल्टर वाटर हमने उससे पास करवाया है एमपीटी कंटेनर इनिशियल वेट गिवन है 86.342 ग्राम। फिर है आफ्टर ओवन ड्राई मेथड द फाइनल वेट इक्वल्स टू 86.384 ग्राम। फिर है TSS यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड इक्वल्स टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन वी डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन वी इज फाउंड टू बी एज दिस मच द TDS इक्वल्स टू टोटल डिसॉल्व सॉलिड इक्वल्स टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन अपॉन वी इज दिस मच वैल्यू। सो टोटल सॉलिड इक्वल्स टू टोटल डिजॉल्व सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड प्लस टोटल डिजॉल्व सॉलिड इक्वल्स टू 940 मिलीग्राम पर लीटर। अब नेक्स्ट मेथड आता है हमारा TS मतलब टोटल सॉलिड TDS मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड TSS मतलब टोटल सस्पेंडेड सॉलिड। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी द प्योर वाटर इज अ पुअर कनेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम सभी जानते हैं द डिजॉल्व सॉलिड इक्वल्स टू के इनटू कनेक्टिविटी ऑफ द मीटर वैल्यू। ठीक है तो के का मतलब है इंस्ट्रूमेंटेड कांस्टेंट होती है इसकी वैल्यू होती है रेंज करती है 0.5 टू 0.65 द कनेक्टिविटी ऑफ द मीटर वैल्यू विल बी म्यू हो यूनिट कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा pH वैल्यू फॉर अ पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन pH माइनस लॉग बेस 10 एच प्लस कंसेंट्रेशन है। नेक्स्ट है हमारा H2OH प्लस OH माइनस के इक्वल टू है कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस OH माइनस अपॉन H2O स्टैंडर्ड कंडीशन है वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पर हम निकाल रहे हैं तो H2O कंसेंट्रेशन दे रखा है 1 K दे रखा है 14 स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखा है H प्लस OH माइनस इज 10^-14 द लॉग ऑफ H प्लस और OH माइनस इक्वल्स टू माइनस लॉग बेस 10^-14 पी ऑफ H पी ऑफ OH इक्वल्स टू 14। अप्लीकेशन ऑफ pH बताइए pH का वैल्यू क्या होगी तो बोलेंगे वाटर ट्रीटमेंट डिपेंडिंग ऑन pH वैल्यू वाटर जो है डिपेंड करता है pH वैल्यू पर द केमिकल रिक्वायरिंग फॉर अ वाटर ट्रीटमेंट डिपेंडिंग अपॉन pH वैल्यू जो केमिकल वाटर रिक्वायरमेंट है वो pH वैल्यू पे आता है एंड एक्सट्रीम pH लो हाई एंड डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी बोल रहा है pH की वैल्यू बहुत ज़्यादा होना या बहुत कम होना वो उसकी ख़राब बताती है पानी बहुत ख़राब हुआ तो डैमेज ऑफ द प्रॉपर्टी ड्रिंकिंग वाटर ऑफ स्टैंडर्ड 6.5 टू 8.0 अगर ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड कितना है बोलेंगे 6.5 से 8.0 कन्वर्जन है एक्स मिलीग्राम पर लीटर एक्स मोलिकुलर वेट मोल पर लीटर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इंटू 1000 एक्स है मोल पर लीटर इक्वल टू एक्स मिलीग्राम पर लीटर मोलिकुलर वेट ऑफ एक्स इंटू
into 1000. The equivalent weight of x equals to molecular weight of x upon volume, gram equivalent weight. आ जाओ.